हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप टेक्निकल स्टार मार्क और यहाँ पे मैं हूँ पवित्र। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो स्मार्टफोन के जो लो रेंज है जो कि 7000 से लेकर 9000 के बीच में, तो उसमें फ्रेंड्स अभी तक का सबसे बताया जा रहा है कि बेस्ट प्रोसेसर जो है परफॉर्मेंस वाला, गेमिंग वाला, जो कि आपको देखने को मिल रहा है मीडियाटेक की तरफ से, जो कि है G25 एंड G35। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सच में क्या है प्रोसेसर बेस्ट है, सच में क्या ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से बेस्ट है, इस प्राइस रेंज में जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 435, 425, 450, तो इससे क्या ये बेस्ट प्रोसेसर है जो कि आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है, एंड इसमें आपको क्या क्या सपोर्ट देखने को मिला है, क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, गेमिंग के लिए कैसा है। तो ओवरऑल अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है इस प्रोसेसर को लेकर, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये मेरा गारंटी है। और उसके लिए वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और इस चैनल को अगर पसंद आए तो जरूर से सब्सक्राइब करके लेना। तो फिर चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पसंद आए शेयर कीजिए, और एक बात, फिर अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स बहुत टाइम वेस्ट कर लिए, तो फ्रेंड्स आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो फ्रेंड्स देरी क्या, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले जो हम बात करेंगे ये जो प्रोसेसर, इसमें आपको क्या क्या सपोर्ट देखने को मिलता है, और हम जो पहले बात करेंगे जो G25 एंड G35 है इसमें क्या क्या सिमिलर सपोर्ट आपको देखने को मिलता है जो कि इन दोनों प्रोसेसर में ही है। तो पहले हम बात करेंगे इसमें जो है मीडियाटेक का हाइपर गेमिंग बूस्ट का जो टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको इन दोनों प्रोसेसर में देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ बेटर कनेक्टिविटी, गेमिंग बूस्ट जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है, एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मल्टीपल कैमरा की सपोर्ट मिल रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं 3-4 कैमरा नहीं, दो हाईएस्ट मैक्सिमम 2 कैमरे की सपोर्ट बैक की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिला है दोनों प्रोसेसर की तरफ से। तो अभी हम बात करेंगे ये जो प्रोसेसर, ये प्रोसेसर काम कैसे करता है, कौन सा प्रोसेसर का कितना कैपेबिलिटी है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो G25 एंड G35 देखने को मिल रहा है, इन दोनों प्रोसेसर में ही आपको जो कोर्स मिलता है जो कि कोर्टेक्स A53 का कोर्स मिलता है, एंड इसमें सेम ही कोर्स मिलता है 2.3 GHz का देखने को मिलता है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो इसका परफॉर्मेंस जो GPU में, जो इसमें GPU है वो आपको मैक्सिमम 650 तक का देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है 650 MHz तक देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है G35 में, उसमें आपको देखने को मिलता है 680 MHz। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कैमरे की सपोर्ट, तो ये जो प्रोसेसर है G25, इसमें पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको पीछे की तरफ दोनों कैमरे का सपोर्ट मिलता है, यानी कि 2 कैमरे का सामने की तरफ एक। जो पीछे के कैमरे का सपोर्ट मिलता है वो होता है एक 13 MP का एंड एक 8 MP का सपोर्ट है, ये हाईएस्ट मैक्सिमम सपोर्ट है मेगापिक्सल का। और सामने आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम 21 MP का, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसी प्रोसेसर का जो हायर वेरिएंट है G35, उसमें आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम 13 MP, दोनों कैमरे 13 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने जो आपको सेल्फी देखने को मिल रहा है वो मैक्सिमम हो सकता है 25 MP। तो इसमें जो G35 है उसमें आपको बेटर कैमरा देखने को मिल रहा है। तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रोसेसर के वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की, तो आपको दोनों में ही आपको फुल HD 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, 4K का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। एंड उसके बाद बात करें कि डिस्प्ले, तो डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत डिफरेंसेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो अगर आप G25 है उसकी अगर बात करें, G25 में आपको HD+ डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप G35 की बात करें उसमें आपको फुल HD+ डिस्प्ले की सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड उसके बाद अगर फ्रेंड्स कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिलेगा G25 से G35 में, लेकिन उसके साथ साथ जो सिमिलरिटी कनेक्टिविटी है जो कि आपको इन दोनों में वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ FM रेडियो का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा ओवर इन दोनों का स्पेसिफिकेशन एंड इन दोनों का कैपेबिलिटी। तो अभी हम बात करेंगे क्या है सच में बेटर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो G25 है ये बेसिकली एकदम जो कि लो वेरियंट फ़ोन, जैसे कि 7 से 8 हज़ार के बीच में आता है, स्नैपड्रैगन का 425 या फिर 430 आपको देखने को मिलता है कोई भी स्मार्टफोन या फिर Xiaomi का, उसमें आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो G25 है ये उससे काफ़ी बेटर है, काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो G25 है अगर हम स्नैपड्रैगन की कंपेयर करें तो ये लगभग आपको स्नैपड्रैगन 450 तक का जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है वो आपको
आपको इस G25 में देखने को मिलेगा, एंड जो 450 है वो आपको इस रेंज में देखने को नहीं मिलता। तो उसके हिसाब से अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो उसके हिसाब से ये जो MediaTek का G25 है वो काफ़ी बढ़िया है, जो कि आपको इस रेंज में इस प्रोसेसर को देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 8 से 9 हज़ार के बीच में या फिर 9 से 10 हज़ार के बीच में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो होता है लगभग 430 या फिर 455 आपको देखने को मिलता है, या फिर हीलियो P22, ठीक है, ये सब देखने को मिलता था अभी तक का स्मार्टफोन में, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो देखने को मिला वो काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि फ्रेंड्स G35 की अगर मैं बात करूँ, G35 एक काफ़ी बढ़िया है, और अगर मैं स्नैपड्रैगन की इससे कंपेयर करूँ तो इसका कंपेरिजन में कोई प्रोसेसर नहीं आता। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इसका जो बेटर GPU आपको देखने को मिला है वो स्नैपड्रैगन जो 450 उससे बढ़िया आपको परफॉर्मेंस इसमें मिलेगा, गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जो MediaTek का हाइपर गेमिंग बूस्टर मिल रहा है तो ये लगभग यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देगा, जैसे कि आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज पे, उससे काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस एंड बेटर कैमरा डिस्प्ले के साथ अगर ये प्रोसेसर आता है तो यहाँ पे आग लगा देगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यही प्रोसेसर था जो कि अभी के जो लो वेरियंट है 7 से 10 हज़ार के बीच में या फिर 9 हज़ार के बीच में जो फ़ोन आता है उसमें यही बेस्ट प्रोसेसर जो कि MediaTek की तरफ से देखने को मिला है। आपको ये प्रोसेसर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपकी कोई राय तो कमेंट कीजिए, वीडियो को पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।